बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग में, अब तक जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि भाई इंटरव्यू कैसे देना है, और सॉरी कि भाई सीवी राइटिंग कैसे करनी है, और अगर ईमेल्स कैसी करनी है। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा दैट्स अबाउट कि हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, आपने खुद कैसे प्रेजेंट होना। अब तक तो ये था कि डॉक्यूमेंटेशन कैसी है आपकी, मीन्स आपने अगर कहीं अप्लाई करना है तो आप कैसे ईमेल करेंगे, ईमेल कैसे करना चाहिए। दूसरा, एप्लीकेशन या लेटर देना है तो एप्लीकेशन कैसे लिखी जाएगी या लेटर लिखा जाएगा। तो अब तक जो थी वो प्रेजेंस थी जो डॉक्यूमेंटेशन की हद तक थी। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि हाउ यू रिप्रेजेंट यूर सेल्फ इन फॉर एन इंटरव्यू, आपने अपने आप को एक इंटरव्यू के लिए कैसे रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि जब तक आपकी खुद की आप फर्ज की आपको कॉल आ गई, आप जो है वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए, तो अब आपने एक अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दी तो अगेन आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, और ये एक जो है आपकी मेहनत पे, जिसे कहते हैं ना दूसरे अल्फाज में, कि पानी फिर जाएगा। तो द प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन हु इज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ये भी इम्पोर्टेंट एज इम्पोर्टेंट जैसा कि बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इसके लिए भी एक मैं प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूँगा, तो उसके उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं विद दैट प्रेजेंटेशन, और ये यहाँ पे है कि इंटरव्यूइंग टिप्स फॉर सक्सेस, मतलब कि आपने अगर इंटरव्यू देना है तो उसकी टिप्स क्या हैं सक्सेस के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि आपको पता होगा कि भाई जैसे कहा जाता है कि फर्स्ट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपका पहला इंप्रेशन जो है वो आखिरी इंप्रेशन है। पहला इंप्रेशन अच्छा होगा तो आखिरी इंप्रेशन भी अच्छा, आखिर तक आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ा रहेगा। तो दैट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन, और फर्स्ट वर्ड यू स्पीक काउंट, कहते हैं ना कि आपका जो जो फर्स्ट वर्ड्स जो आप डिलीवर करेंगे या बोलेंगे वो भी गिने जाएंगे, वो भी काउंट होते हैं। तो जैसे कि आपने पहला पहला लफ्ज़ कहा कि भाई आप इंटरव्यू देने के लिए गए, इट्स अ प्लेजर मीटिंग विद यू, कि आपने कहा कि भाई मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मीटिंग करके, या आपने उनका शुक्रिया अदा कर दिया, थैंक यू फॉर शेड्यूलिंग द क्लास, या सॉरी फॉर थैंक यू फॉर शेड्यूलिंग द टाइम टू मीटिंग, ठीक है, तो मीटिंग के लिए आपका टाइम सेट करने का शुक्रिया। तो दैट इज आप क्या कहते हैं स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू, आपने स्टार्ट में ही उनको ग्रीट कर दिया। फिर वॉक विद विगर एंड शो कॉन्फिडेंस, अच्छा वॉक विद विगर एंड शो कॉन्फिडेंस, आपने थोड़ा सा स्लाइड से कहते हैं ना तेज चलना है। तो पीपल हु वॉक 10% फास्टर देन दे नॉर्मली डू आर परसीव्ड एज गेटिंग मोर डन, ठीक है, उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो काम जल्दी कर लेंगे क्योंकि उनमें उनमें जो है थ्रिल है काम करने की। और जो फास्टर थोड़ा सा जो अपनी अगर आप नॉर्मल उस पे चाल पे चल रहे हैं तो कोशिश कीजिए इंटरव्यू के लिए 10% जो है उसकी इंक्रीमेंट कर लें, ताकि आपको जो है वो सामने वाले को भी एक इम्प्रेशन पड़ेगा कि ही इज इंथुजियास्टिक, मतलब पुरजोश है, ही इज यंग, ही इज कीन टू डू समथिंग, उसके पास शौक है कुछ करने का। तो क्योंकि इफ यू 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 आर वॉकिंग लेजी, अगर आप चल रहे हैं सुस्ती से, आप आपकी कोई इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा, तो इट विल पुट बैड इंप्रेशन कि यार बंदा ही इतना ढीला है तो ये काम में क्या क्या दिखाएगा। तो आपने विगर दिखाना है, अबिट अबिट फास्टर, एंड आपने इसी तरह कॉन्फिडेंस दिखाना है, ठीक है। तो ये हमारी पहली स्लाइड हो गई, फिर अगली स्लाइड पे आ जाए। हाँ, पहला तो हो गया कि आपका आपका आप जा कैसे रहे हैं, ठीक है। दूसरा है कि आपकी ड्रेसिंग कैसी है, व्हाट इज द ड्रेस फॉर सक्सेस, ठीक है। तो आपका हेड टू टो ये लिखा हुआ ना, हेड टू टो, तो योर हेड टू टो शो अ रिफ्लेक्शन, इम्पेकेबल ग्रूमिंग, ठीक है। इम्पेकेबल ग्रूमिंग मीन्स आपकी एक एक चीज जो है वो टॉप टू बॉटम जो है वो आपको रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो इसी तरह आपके हेयर, योर हेयर, आपका हेयर स्टाइल, आपके कॉलर मीन्स कॉलर्स हो गए, टाई हो गया, स्कार्फ, फीमेल है तो स्कार्फ बांधेंगी, ठीक है, मेल है तो टाई होगा उनका, एंड अदर एक्सेसरीज, जो भी हम एक्सेसरीज पहनते हैं लाइक शूज हैं, ठीक है। इसी तरह फीमेल की एक्सेसरीज ज़्यादा होती हैं, मतलब उन्होंने मेकअप किया हुआ होता है, तो उस हवाले से जितनी भी एक्सेसरीज हैं, हमने टाई लगाई हुई है, तो ये सारी काउंट होती हैं। शुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन यू आर, तो आपकी जो क्वालिटी है वो काउंट होती है। अच्छा, इट इज अजान हो रही है,
अच्छा, इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ दैट वी डू जज बुक्स बाय देयर कवर्स। ये बड़ी काम की बात कही इन्होंने कि हम अपनी बुक्स को, यानी अगर मैं इसकी बात करूं कि अजान हो रही, अजान के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ, अच्छा जी। तो ये मैं कह रहा था बात कि जज, हम ये कहा जाता है जज बुक्स बाय देयर कवर्स। नॉर्मली जो बुक अट्रैक्टिव, हम किस बुक की तरफ जाते हैं जिसका कवर अच्छा हो, ठीक है, मटेरियल काउंट होता है, लेकिन पहले तो हम उसके कवर्स की तरफ जाएंगे कि उसका कवर कैसा है, उसकी बाइंडिंग कैसी हुई हुई है, अगर उसका कलरफुल है, अट्रैक्टिव है, तो इंसान उस बुक की तरफ खींचा चला जाता है। तो इसी तरह ये फैक्ट ऑफ लाइफ है कि अब जिस तरह हम बुक्स को उसके कवर से जज करते हैं, तो इसी तरह हमारा जो ड्रेसिंग है, मतलब ड्रेस जो है हमारा, ये हमारे ये बार दफा सक्सेस की तरफ ले जाता है, क्योंकि यू आर ड्रेसिंग रिप्रेजेंट यू, आपकी ड्रेसिंग आपको रिप्रेजेंट करती है। तो टू बी मार्केटेबल इन बिजनेस टुडे, योर इमेज इज एज इम्पॉर्टेंट एज यू, ठीक है। आपका इमेज आपको पहचानवाता है, कहते ना कि इंसान, बार दफा इंसान ऐसी फ्रेगरेंस यूज करता है कि उसकी वो पहचान बन जाती है, कि अगर कोई पर्सन ये फ्रेगरेंस लगा रहा है तो हम कहते हैं कि भाई यही पर्सन है, ठीक है। तो योर इमेज इज योर एज इम्पोर्टेंट एज वट यू नो यू मस्ट फिट इन, ठीक है, जिसके अंदर आप फिट होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपके जो टॉप टू बॉटम आपका, यानी आपका जो टॉप टू टो है, आपके हेयर स्टाइल से लेकर आपके शूज तक, ये इट 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 मस्ट रिफ्लेक्ट योर ग्रूमिंग, आपकी ग्रूमिंग को रिप्रेजेंट करे। फिर अच्छा, यहाँ पे मैन और वुमेन्स का थोड़ा सा बाइफरकेशन दी हुई है, लेकिन मैं आपको जस्ट थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि इमेज टिप्स फॉर मैन, ह्यूमन के लिए जो है वो इमेज टिप्स क्या होंगे, कि उसकी सूटिंग या उसकी शर्ट्स क्या है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि इन्वेस्ट इन अ कंजर्वेटिव कलर, ठीक है, आपने कुछ कंजर्वेटिव कलर की तरफ इन्वेस्ट करना है। मतलब मीन्स अगर आप फॉर्मली जा रहे हैं तो फॉर्मली में कोई टी शर्ट पहन के नहीं जाएंगे, इसी तरह जीन्स पहन के मत जाइएगा। मुझे अच्छी तरह याद है हमदर्द में, हम बहुत पहले एक दफ़ा मैं और मेरा भाई MBA के एडमिशन्स के लिए आए थे, तो मेरे भाई ने क्योंकि जीन्स पहनी हुई थी, तो द गार्ड डस नॉट अलाउ टू गो अस फॉर इवन फॉर क्यूरी ऑफ द एडमिशन्स, ठीक है। वो कहने लगा आप ये ड्रेसिंग जो करके आए हैं ये ड्रेसिंग अलाउ नहीं है, जीन्स आर नॉट अलाउड, इवन टी शर्ट्स आर नॉट अलाउड, बिकॉज दीज आर द इनफॉर्मल, ये यू कैन से इनफॉर्मल शूटिंग्स। तो जब फॉर्मल शूटिंग, खासतौर पर जब इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आपने थोड़ा सा अपना कंजर्वेटिव कलर की तरफ जाना है। कंजर्वेटिव मीन्स जो डार्क कलर है, लाइक नेवी है, ग्रे है, ठीक है, या वाइट पहन लीजिए। नॉर्मली वो कलर्स हैं दैट इज टूवर्ड्स अ फॉर्मल ड्रेसिंग, ये आपकी फॉर्मल ड्रेसिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी टी शर्ट पहन के जाना, जीन्स पहन के चले गए या जॉगर्स पहन के चले गए, ठीक है, तो खैर हम शूज पे बाद में आएंगे, लेकिन ये कि ये आपका कुछ खास इम्पेक्ट नहीं डालता। जैकेट्स एंड ट्राउजर शूट कोऑर्डिनेट, ठीक है, आप जैकेट्स को यूज कर सकते हैं। ट्राउजर्स, मैं तो इस हवाले से नहीं कहूँगा कि ट्राउजर्स जो है वो इस आपके इंटरव्यू में आपको कोऑर्डिनेट करें, बट ट्राउजर्स शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। जैकेट्स आप पहन सकते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, क्योंकि कोल्ड एरियाज के अंदर आप जैकेट्स चलेंगी। हाँ, हमारे यहाँ अगर कोई शलवार कमीज पहनता है तो उसको कहा जाता है कि भाई आप जैकेट पहने, कौन सी वेस्टकोट पहने, ठीक है। तो कंप्लीट ड्रेसिंग क्या है, खाली शलवार कमीज ना पहनी जाए बल्कि जैकेट्स पहने, उसके साथ वेस्टकोट पहनी जाए। इसी तरह आपका अगर ड्रेस पैंट्स हैं तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसके अंदर हम नॉर्मली हम ये करते हैं
अगर कोट पहन लिया जाए, ठीक है, जिसको हम एज अ जैकेट ले रहे हैं, तो वो आपका कोऑर्डिनेशन यानी एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगा। चेक फॉर प्रॉपर फिट, ठीक है, हमने इसको प्रॉपर फिट पे चेक करना है, मींस हमारी ड्रेसिंग जो है वो हमें प्रॉपर फिट हो रही है या नहीं हो रही। लूज ड्रेसिंग है तो अगेन इट विल पुट अ बैड इंप्रेशन, हम अपने क्लॉथिंग को ही संभाल रहे होंगे, इंटरव्यू की तरफ तो शायद बाद में जाए। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि वूल गार्बाडाइन, ये बेस्ट आप जो है वो वूल से भी अपने उसको ऐड कर सकते हैं। डू द रिंकल टेस्ट, ये आखिर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, डू द रिंकल टेस्ट। रिंकल टेस्ट का मतलब ये है कि आप अपनी ड्रेसिंग को चेक करें कि रिंकल टेस्ट करें कि कहीं वो रिंकल की तरफ तो नहीं जा रही। मीन्स के रिंकल का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर जो है ना वो ऐसे लगता है जैसे इस्त्री नहीं हुई हुई, ठीक है। तो कुछ क्लॉथिंग ऐसी होती हैं जो कि शो करती हैं कि इन पे मजीद इस्त्री की ज़रूरत है या आयरन की ज़रूरत है, तो ऐसी ऐसी रिंकल टेस्ट आपने खुद करना है। आपने जो है अवॉइड करना है उन ड्रेसिंग्स को जो कि रिंकल प्रोड्यूस करें, रिंकल रिंकल लेस आपकी जो है वो ड्रेसिंग होनी चाहिए। तो सूटिंग ऐसी हो, शर्ट्स शर्ट्स में नॉर्मली हमारे जो मेल हैं वो नॉर्मली हाफ स्लीव्स पहनते हैं, लेकिन हाफ स्लीव्स मस्ट बी अवॉइडेड, इसको बचना है आपने। ऐसी स्लीव्स जो कि हाफ हों लाइक टी शर्ट्स हैं, या इसको आप कह सकते हैं आजकल आ रही हैं जैसे मार्केट में जो है हाफ स्लीविंग्स आ रही हैं, ठीक है, तो ऐसी शर्ट्स को अवॉइड करना है। लॉन्ग स्लीव शुड बी यूज्ड, और इसमें इन्होंने कहा है कि वाइट शर्ट इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुत वाइट कलर बाज़ दफ़ा वो आपके ग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और मैं आपको अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी बताऊँ तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़्यादा जोर दिया कि खुद भी सफ़ेद कपड़े पहनो, यानी सफ़ेद वाइट वाइट क्लॉथिंग करो, और अपने मुर्दों को भी उसमें दफनाओ। तो वाइट का अपना एक चार्म होता है, तो वाइट शर्ट्स इज द बेस्ट ऑप्शन, अ लाइट ब्लू इज एन अल्टरनेटिव, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको जो कलर्स मिलेंगे शर्ट्स के अंदर, तो इसमें लाइट ब्लू इज एन अल्टरनेटिव। आपने अगर शर्ट पहनी है तो लाइट ब्लू कलर भी बहुत अच्छा है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि दैट इज़ द ऑफिशियल ड्रेसिंग, या आपका जो है रिप्रेजेंट करता है कि आप एक ऑफिस के अंदर जॉब कर रहे हैं। शर्ट्स इन 100% कॉटन आर अ गुड इन्वेस्टमेंट, अगेन कॉटन जो है वो क्योंकि थोड़ा सा यू कैन से अकड़ा हुआ होता है और साफ सुथरा रहता है, तो कॉटन जो है वो ज़्यादा लाइकिंग की जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रेसिंग्स या वॉश एंड वेयर है। तो हैव इट प्रोफेशनली आयरन फॉर एन इंटरव्यू, हाँ, ये जो मैंने आपसे कहा था ना रिंकल वगैरह के हवाले से, डू द रिंकल टेस्ट क्या मतलब, आपने रिंकल टेस्ट किया, और क्या मतलब इसका कि हैव इट प्रोफेशनली आयरन, आपने उसको प्रॉपर आयरन किया है इंटरव्यू के लिए। ये नहीं हो कि आप पहुंचे हो पूरा शर्ट जो है वो बेकार होगा। आपने खास तौर पे देखा होगा जो मार्केटिंग के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी ड्रेसिंग बड़ी आउट क्लास होती है, बिकॉज दे आर द मार्केटर्स, वो मार्केट करने जा रहे हैं, अगर वो खुद अच्छे नहीं होंगे तो हाउ देयर प्रोडक्ट विल बी कंसिडर्ड, उनकी प्रोडक्ट कैसे कंसिडर होगी, मतलब शूज़ भी पॉलिश करने हैं आपने। अच्छा, एक कंपनी में मैं एक दफ़ा गया, बड़ा ग्रुप है SGS के नाम से, तो वहाँ जाने का इत्तफाक हुआ, तो वहाँ उन्होंने जो है वो बिल्कुल गेट के पास एक शू क्लीनर की मशीन लगाई हुई थी बाकायदा, जो एम्प्लॉय आता था उस वो शूज़ पे रखता था, तो वो सेंसर के थ्रू वो घूमता था और वो जूतों को बिल्कुल क्लीन कर देता था। तो इट रिप्रेजेंट्स दैट कि वो अपने एम्प्लॉयज को जो है वो बिल्कुल शाइन देखना चाह रहे हैं। तो ये कुछ इसके हवाले से था। अगर मैं इसी तरह कंटिन्यू करें कि आपके बेल्ट्स एंड शूज़, अच्छा ये तो हो गए, मैं एक्सेसरीज पे आ जाएं आप, अगर हमारी बेल्ट्स हैं या शूज़ हैं, अगर इन केस ऑफ ड्रेस पैंट्स, ठीक है, हमारी जो पैंट्स हैं तो उसके अंदर लेदर बेल्ट्स इन ब्लैक, आपकी नॉर्मली ब्लैक कलर की रखनी है, कोई कलरफुल नहीं, कोई ग्रीन पहन ली हुई, कोई कोई उसके ऊपर चीते की खाल बनी हुई है, ठीक है, या उसके ऊपर कोई डिज़ाइन बना हुआ है या कोई लोगो बना हुआ है, तो इट मस्ट बी अवॉइडेड, ठीक है, ये आपके प्रोफेशनलिज्म को शो नहीं करता। एंड बर्गंडी, बर्गंडी एक कलर होता है, इसको हम कह सकते हैं बर्गंडी कलर, यू कैन से कि टूवर्ड्स ब्राउन होता है, रेड एंड ब्राउन, ठीक है, रेड एंड ब्राउन की तरफ बर्गंडी होता है, अगर होगा तो मैं आपको इंटरनेट से दिखा भी दूंगा। तो टू मैच योर शूज आर गुड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ब्लैक, अगर आपने ब्लैक शूज पहने हुए तो उसके साथ ब्लैक बेल्ट पहन लें, और अगर आपने कोई ब्राउन की तरफ शूज पहने हुए तो बर्गंडी कलर इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो विंग टिप्स पोर्ट्रे आर मोर कंजर्वेटिव इज देन द टैसल लॉफर, इसको देख लीजिएगा। वेयर सॉक्स दैट कवर योर काफ एंड मैच योर ट्राउजर्स, ठीक है, जो ट्राउजर मीन्स आपने जो पैंट पहनी हुई है, तो ट्राउजर मीन्स दैट इज योर पैंट, यानी यहाँ पे मैं उसको पैंट के मानों में लूंगा। तो वेयर सॉक्स, आपने ये नहीं कि भाई आपने शूज पहन लिए और उसके ऊपर पैंट डाल दी और नीचे सॉक्स नहीं पहने हुए, अगेन इट इज एन इनकम्प्लीट ड्रेसिंग। फिर टाइज, हमारे यहाँ
नॉर्मली पहनते हैं लोग, तो इन्होंने कोई खास इसका यूज़ ऑफ पावर कलर येलो और रेड, आप रेड कलर की टाई प्रोफेशनल वे है, ठीक है, फिर आपने उसको कैसे बकल करना है, ठीक है, ये इसका भी मेथड होता है, तो नॉट नॉट शुड बी स्मॉल, बहुत बड़ी नॉट नहीं पहननी कि आपकी गर्दन जो अकड़ी हुई है और आपसे बात ही नहीं हो रही, तो ये टाइस का हो गया। इसी तरह ये कुछ टिप्स हैं फॉर वुमेन, वुमेन ड्रेसिंग के, उनके सूट्स एंड ड्रेसेस। तो वुमेन्स के अंदर जो है ज्यादातर नेवी ग्रे टॉप और ब्लैक और गुड सूट का ब्लैक कलर के पहन लिए। और आपने आजकल देखा भी होगा कि बाज़ औकात जो है आपको जो मॉल्स होते हैं उनके अंदर जो फीमेल एरिया होता है लिपस्टिक वगैरह का, या उसमें आपको ब्लैक ट्राउजर्स के अंदर वो फीमेल्स मिलती हैं, तो वो एक प्रोफेशनल वे है। इसी तरह इस सूट्स के अंदर आपके सूट शुड बी मोर अथॉरिटी, आपके ड्रेसेस जो कंजर्वेटिव कलर्स हो उसके अंदर, ठीक है, रिंकल फ्री फैब्रिक हो, ठीक है, तो आपने इसको देखना है। एक्सेसरीज के अंदर शूज शुड बी इन डार्क, एक्सेसरीज में हमारी वो चीजें आ जाती हैं जैसे कि जिसके अंदर सॉक्स आ गया, जिसके अंदर शूज आ गए, या अगर कोई आपने क्या कहते हैं घड़ी पहनी हुई है, ठीक है, रिस्ट वॉचेस पहनी हुई है, इस तरह किसी ने कैप लगाई हुई है, तो या स्कार्फ, फीमेल का स्कार्फ है, ठीक है, इसी तरह उनकी हैंड वॉचेस हैं, या कोई उन्होंने नेकलेस पहना हुआ है या शूज पहने हुए हैं, तो ये सारी उसके अंदर आपके शूज। अच्छा, एक्सेसरीज के अंदर शूज टू शुड बी डार्कर देन द सूट। एक चीज, एक ये बहुत अच्छी बात लिखी है उन्होंने कि शूज शुड बी डार्कर देन द सूट, यानी अगर आपने लाइट कलर का ड्रेसिंग की हुई है तो आपके जो शूज हैं ये डार्कर होने चाहिए, ये नहीं कि आपने बिल्कुल हल्के कलर के व्हाइट कलर के शूज पहन गए, तो इट पुट बैड इंप्रेशन, ठीक है। एंड एटलीस्ट वन इंच हील, एक एक कॉन्सेप्ट ये है कि थोड़ी सी उसकी सोल हो ताकि, या हील हो ताकि वो आपको एक अच्छा इंप्रेशन दे। होजरी शुड बी स्किन टोन, आपकी होजरी जो है वो स्किन की कलर की तरफ जानी चाहिए, ठीक है। कीप एक्सेसरीज टू अ मिनिमम, एक्सेसरीज को कम से कम रखना है, बहुत ज्यादा एक्सेसरीज नहीं। पता चला भाई आप जो है इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और गले में एक बहुत बड़ी जंजीर लटकाई हुई है, ठीक है, हाथ में जो है कड़ा पहना हुआ है, तो ये बैड इंप्रेशन है। हेयर शुड बी अवे फ्रॉम योर फेस, आपके जो बाल हो आपके चेहरे से दूर हो, चेहरे पे नहीं पड़े हुए, भाई आधे बाल जो है चेहरे पे पड़े हुए या चुटिया बांध के चले गए, तो ये मेल्स के लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मेल फीमेल दोनों हैं, तो आपके जो है आपके जो चेहरा है वो कवर्ड ना हो, मेकअप शुड बी लुक नेचुरल, आप अगर फीमेल्स हैं तो मेकअप जो है वो ज्यादा नहीं करके जाएंगी। चूज वन हैंड बैग और ब्रीफ केस और नॉट बोथ, आप हैंड बैग लें या ब्रीफ केस लें, दोनों लेके नहीं जाएं, क्योंकि आपको जितना आपने लाइट रहना है वो आपका आपकी जो है वो उसको रिप्रेजेंट, एक्सेसरीज जो है वो जितनी लाइट होंगी जितनी कम होंगी वो आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी होगी। इमेज टिप्स फॉर ऑल, क्या कीप इट कंजर्वेटिव, आपने अपने आप को कंजर्वेटिव रखना है, डोंट वेयर क्लॉगने और परफ्यूम बहुत ज्यादा। अच्छा, कोई ये बाज लोग क्या करते हैं परफ्यूम पहन लेते हैं, पहनने का मतलब ये लगाना और होता है पहनना और होता है, मतलब आपने कोई ऐसी चीज पहन ली जो कि कंटिन्यूअसली जो है वो परफ्यूम प्रोड्यूस कर रही है, तो हो सकता है समटाइम ऐसा होता है कि ये जो आप परफ्यूम लगा रहे होते हैं या परफ्यूमिंग कर रहे होते हैं ये बजाय इसके कि आपको ऐड करे या आपके लिए क्या कहता है अगेंस्ट बन जाता है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ऐसी फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस कर रहा होता है जो कि किसी के सामने वाले के सर में फर्ज किया उसको एलर्जी है या कोई प्रॉब्लम है, तो अब आप तो क्लोगने लगा के गए, क्लोन, ठीक है, क्लोन लगा के, कोई क्लोन लगा के गए, परफ्यूम लगा के गए, तो उसमें क्या हुआ सामने वाले को छींके शुरू हो गई, तो इट पुट बैड इंप्रेशन। इट फील्स लाइक अ यूनिफॉर्म बिकॉज इट इज अ यूनिफॉर्म, आप अपने आप को यूनिफॉर्म रखें क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म ही है, जॉब आपकी यूनिफॉर्म ही होती है, ठीक है। आप जो आपका बैंक्स के अंदर कभी आपने देखा होगा वहाँ पे इवन आपके जो कैशियर भी होते हैं और जो आपके फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो गेट के पास खड़े होते हैं या जो पर्सन की इंक्वायरी ले रहे होते हैं, दे आर वेल सुटेड, ठीक है, और वो उनको बाज दफा ऐसा लगता है कि दे आर वेयरिंग द यूनिफॉर्म। अगर कोई फीमेल्स हैं जो कि काउंटर पे बैठी हैं तो वो भी ऐसे लगती है जैसे दे आर वेयरिंग यूनिफॉर्म, सबके तकरीबन सिमिलर होते हैं और एक्सेसरीज बहुत कम होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपने यूनिफॉर्म ही पहना हुआ है। बी अवेयर ऑफ ऑल डिटेल्स, द शाइन ऑन योर शूज, आपने कंटिन्यूसली देखना है शाइन ऑन योर शूज को, क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, पाँव गंदे करके चले गए, ठीक है, नेल पॉलिश चिप्स, फीमेल्स हैं तो उन्होंने उनकी नेल पॉलिश बहुत ज्यादा डार्क लगाई हुई है, तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर योर जॉब इंटरव्यू। अच्छा, बॉडी इमेज क्या है, यूज गुड पॉस्चर, आपका पॉस्चर बहुत स्ट्रेट हो, मतलब अगर मैन के हवाले से बात करूँ तो आपका पॉस्चर स्ट्रेट हो, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको बयान कर रही होती है, ठीक है, ढीले होके बैठे हैं, कमर झुका के बैठे हैं, तो इट शोज दैट यू आर वेरी पुअर वर्कर, ठीक है, आपने अपनी बॉडी से भी शो करना है
यू आर विलिंग टू डू द जॉब, गिव अ फर्म हैंडशेक। अच्छा, हैंडशेक के वाले शायद मैंने आपको पढ़ाया या पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया था, ठीक है, कि इसको छोड़ दीजिए, रिगार्डलेस ऑफ सेक्स, ये छोड़ दें, ये हमारे मजहब में तो नहीं है। बहरहाल ये क्योंकि बाहर की प्रेजेंटेशन है तो उन्होंने डाल दिया इसको। गिव अ फर्म हैंडशेक, आपने जो है वो एक फर्म हैंडशेक देनी है। बाज़ोकात कहते हैं कि भाई आपका जो हैंड शेकिंग, आपने कभी आर्मी वालों को देखा होगा कि वो एक प्रॉपर हैंड शेक करते हैं स्ट्रॉन्ग, जैसे दे आर शोइंग देयर कमिटमेंट। हैंड शेक्स भी आपकी कमिटमेंट शो कर रही होती है। एक ढीला हाथ, मतलब हाथ बिल्कुल ढीला किया हुआ और इस तरह हाथ बढ़ा रहे हैं, तो ये एक ऑफिस के अंदर या आपकी जो कम्युनिकेशन के अंदर, इट प्रोड्यूसेस अ बैड इंप्रेशन, आप वो बताता है। और ऐसा भी ना हो कि भाई सामने वाले का आपने हाथ पकड़ के दबा दिया, ठीक है, तो हाथ तोड़ना भी नहीं है और हाथ जो है ऐसा भी नहीं रखना कि भाई आपको जो है ना कमिटमेंट शो ना हो रही है। लीन फॉरवर्ड वाइल लिसनिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन, ठीक है, लीन फॉरवर्ड, आपकी तवज्जो उसकी तरफ जब आंसर कर रहे हैं, सुन रहे हैं। हैंड्स अबव वर्ड, मेक आई कॉन्टेक्ट, आपके आपका अगर हाथ है तो ऊपर रखें उनको, ठीक है, नीचे ना छोड़ दें। रिवर्स इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप टेबल, अगर आपके सामने टेबल हो तो टेबल पे हाथ रख लें। और मेक आई कॉन्टेक्ट, आपके आई कॉन्टेक्ट, अगर पैनल बैठा है तो जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है उससे आप आई कॉन्टेक्ट करें, ठीक है, एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप उसकी तरफ मुतवज्जो होकर उसका जवाब दें। फिर दूसरा आपसे उस पैनल में कोई क्वेश्चन करता है, ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात अब कभी आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पैनल की शक्ल में लोग बैठे होते हैं। तो इफ़ देयर इज अ पैनल, देन पे अ फुल अटेंशन टू ईच क्या कहते हैं, यू कैन से ईच एम्प्लॉय, जो आपका इंटरव्यूअर है, जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है तो उससे आई कॉन्टेक्ट करना है आपने। फिर वॉइस इमेज कैसा आपका, अच्छा, अब आप इंटरव्यू के लिए पहुंच गए, आपने ड्रेसिंग बहुत अच्छी कर ली, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे दी, आपकी ड्रेसिंग आपको फोकस कर रही है, आपकी जॉब को फोकस कर रही है। नाउ यू आर गेटिंग, आप उस तरफ जा रहे हैं कि अब आप बोलने की तरफ जा रहे हैं, तो वॉइस इमेज कैसा, स्पीक विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस भी की जाती है बाज़ दफ़ा, देखें बाज़ औक़ात हमारे एक टीचर थे कराची यूनिवर्सिटी के, तो जब मैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर रहा था तो वो मुझे कहते थे कि लॉट ऑफ पीपल यू आर डूइंग टीचिंग जॉब, ठीक है, टीचिंग जॉब कर रहे होंगे, तो समटाइम्स अगर किसी को जॉब्स ऑफर आती हैं, कहीं प्रेजेंटेशन देनी होती किसी को, ठीक है, आप लोग भी प्रेजेंटेशन देते हैं, इसी तरह जब मैं भी स्टूडेंट था तो बाज़ औक़ात प्रेजेंटेशन आती थी तो वी हैव टू स्पीक देयर, हमें बोर्ड पे जाके बोलना होता था। तो उन्होंने कहा था कि भाई आप जो है उस प्रेजेंटेशन के लिए अपने आप को बार बार प्रिपेयर करें। आप कॉन्फिडेंस कब आएगा, व्हेन यू गो क्या कहते हैं, आप उसको रिपीटेशन करेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आपको परफेक्टनेस जब आएगी। तो स्पीक क्लियरली एंड कॉन्साइजली, आप क्लियरली बोलें, ठीक है, प्रोजेक्ट योर वॉइस सो दैट यू आर हर्ड, अपनी आवाज़ को बिल्कुल साफ रखें ताकि आपको सुना जा सके। फिर अच्छा, बाज़ औक़ात आपको अच्छा ये बात जहन में रखिएगा कि एक जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो नेवर गो empty hands, अपने हाथ खाली रख के ना जाएं, बल्कि इट्स बेटर टू हैव अ ब्रीफकेस, अगर आप मेल हैं तो एक ब्रीफकेस रखें लाजमी। ब्रीफकेस में कुछ ना हो तो कम से कम ये 5-6 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। समटाइम्स आपको अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाया, फर्ज किया, और वो आपने प्रोजेक्ट फाइनल ईयर FYP बनाया था और आपने उसको उसकी बेसिस पे जॉब के लिए अप्लाई किया, तो इंटरव्यू कॉल आई, तो अब वो आपसे कहेंगे भाई, अब वो आपसे चाहेंगे कि अपना वर्क रिप्रेजेंट करें, तो आपको तो खास तौर पर जो कंप्यूटर्स वाले हैं वो तो लैपटॉप लेके जाएंगे, ठीक है। तो नेवर गो विद द नेकेड हैंड, अपने हाथों को खाली मत रख के लेके जाइए। आपके पास एक ब्रीफ केस हो जिसके अंदर नोट पैड रख लें आप, या आपके पास पेन्स हो बाज़ औक़ात, ठीक है, 2 erasable पेन्स हो, एक्स्ट्रा रिज्यूमे रख लें। हाँ, बाज़ औक़ात क्या होता है कि पैनल बैठा होता है तो एक सिर्फ एक के पास रिज्यूमे होती है, बाकी के पास नहीं होती, तो समटाइम क्वेश्चन कर लेते हैं कि हैव यू एनी रिज्यूमे एक्स्ट्रा, तो आप उनका एक्स्ट्रा रिज्यूमे दिखा सकते हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इफ एप्लीकेबल, वो आपसे कहते हैं कि मेरा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आए, तो आपने चेयरमैन साहब से या किसी टीचर से या किसी सीनियर फैकल्टी से, आपने डीन साहब से, वाइस चांसलर साहब से आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट, समटाइम्स योर एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट आर रिक्वायर्ड, स्पेशली इन केस ऑफ एनी इंटेलिजेंस ड्यूटी, या आपकी जो गवर्नमेंट का इदारा है वो आपसे एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट मांगते हैं। वर्क सैम्पल्स अगर आपके पास क्या है, स्पेशल नोट फॉर वुमेन एक्स्ट्रा हाउसरी अगर आपके पास है, तो यहाँ तक मैं इसको ख़त्म करता हूँ, फिर इससे यहाँ से जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपको फर्दर में यहाँ तक तो हो गया, फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक इंटरव्यू चेकलिस्ट, ये तो है कि आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। अब हमारा जो अगला सेशन मैं आपको दूंगा वो होगा, दैट इज़ अबाउट इंटरव्यू चेकलिस्ट क्या होगी और क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपने, तो यहाँ पे मैं इसको एंड करता हूँ।
हाँ, इसमें आप लोग ये चीज़ सीख लीजिएगा कि ये स्लाइड जो है वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज योर रिप्रेजेंटेशन इज़ योर एवरीथिंग। आपकी रिप्रेजेंटेशन आपका सब कुछ है, तो आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपने कैसे जाना है, ठीक है, आपने अपने आप को कैसे मनवाना है, तो इसके अंदर वो सारी बातें मौजूद हैं। और ये आपकी इंशाल्लाह ये वाली जो स्लाइड्स हैं और ये वाली जो लेक्चर है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो आप लोगों से उम्मीद काफ़ी है कि आप इसकी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह और अपने आप को इसी तरह प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यू आर एट द लास्ट ऑफ द सेमेस्टर। आप बिल्कुल अपनी डिग्री के एंड पे हैं, 6th सेमेस्टर है आपका, नाउ यू हैव नेक्स्ट 1 ईयर, आपके पास 1 साल ज़्यादा है, 1 साल ज़्यादा, 1 साल बाकी बचा है टू ग्राफ यूर। अब आपका कैरियर जो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो अब आपने अपने कैरियर के बाद अपने आप को कैसे मनवाना है। अब तक तो पेरेंट्स पे कर रहे थे, अब आप यूनिट टू पे, अब आपने जो मार्केट्स के अंदर जाना है, तो मार्केट में जाना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसके अलग नॉर्म्स होते हैं, तो उस नॉर्म्स को आपने फॉलो करना है, ठीक है। काम आता है पर्सन को, सब कुछ आता है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो यकीन करें उसको उस सैलरी पे भी नहीं रखा जाता। ये मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, ठीक है। योर डिमांड इज रिड्यूस्ड इफ योर प्रेजेंटेशन इज नॉट गुड। आपको बहुत अच्छा काम आता है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं, तो आपकी डिमांड भी बाज़ औकात कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेक्चर को क्लोज करता हूँ, इंशाल्लाह फिर मैं इसके इंटरेक्टिव सेशन भी रखूँगा। थैंक यू।